नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो में हमने देखा कि पंचकर्म में से पित्त के लिए विरेचन की चिकित्सा बेस्ट है और कफ के लिए वमन की चिकित्सा बेस्ट है। आज हम देखेंगे वायु के लिए बेस्ट चिकित्सा कौन सी है और किस प्रकार से की जाती है। हाँ दोस्तों, वायु की बेस्ट चिकित्सा का नाम है बस्ती। बस्ती यानी औषध सिद्ध तेल या काढ़ा एनाल रीजन मल द्वार से चढ़ाने की प्रक्रिया। कई लोग बस्ती को एनीमा से ही पहचानते हैं, परंतु एनीमा एक पूरी अलग प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर्स सॉफ्ट वाटर एनीमा देते हैं और तुरंत ही पेट साफ हो जाता है, जबकि बस्ती पूरी अलग प्रक्रिया है जिसमें औषध सिद्ध तेल चढ़ाया जा सकता है या तो औषध सिद्ध क्षीर यानी कि दूध चढ़ाया जा सकता है, मधु और तेल मिलाकर मादुतैलिक बस्ती दी जाती है या तो काढ़े की बस्ती दी जाती है। एक वैद्य डिसाइड करता है कि रोगी की तकलीफ क्या है और कितने दिन उसे बस्ती की जरूरत है। बस्ती कम से कम 8 दिन से लेकर ज्यादा से ज्यादा 30 दिन तक की जाती है। बस्ती के प्रोसीजर में फुल बॉडी या तो लोकल रीजन पे मालिश किया जाता है, शेक दिया जाता है और उसके बाद मल द्वार से जो दवाई है उसे चढ़ाई जाती है। जब तेल चढ़ाते हैं तो लंबे अरसे तक वह बॉडी में रुकता है। जब काढ़ा चढ़ाते हैं तो 2-5 या 10 मिनट में वो निकल जाता है, तो उसके हिसाब से रिजल्ट पाया जाता है। जैसे कि मैंने आगे बताया कि बस्ती वात हराणाम श्रेष्ठ, यानी कि सभी वायु के रोगों की बस्ती श्रेष्ठ चिकित्सा है, तो आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस, पैरालिसिस जैसे सभी डिजीज में इसे प्रयुक्त कर सकते हो। जनरली स्पाइनल कॉर्ड के डिजीज और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स में बस्ती अद्भुत परिणाम देती है। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, आप बार बार बीमार होते हो, तो भी आपकी व्याधि क्षमता या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बस्ती उत्तम है। तो आप अगर अपनी तकलीफ से थक गए हो तो अवश्य ही आपके वैद्य का संपर्क करिए और बस्ती चिकित्सा लीजिए। नमस्कार।